आज की जो प्रेस वार्ता है वो मध्य प्रदेश के विषय में है। मध्य प्रदेश के अंदर 6 महीने से 3 साल के छोटे बच्चे, उनके पोषण के लिए, गर्भवती महिलाओं के पोषण के लिए, और जो बच्चियां स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाती हैं उन गरीब बच्चियों के लिए सरकार ने एक स्कीम निकाली कि उन बच्चों को राशन दिया जाएगा कि वो घर ले जाएं और उनका, उन छोटे बच्चों का, उन गर्भवती महिलाओं का, उन स्कूल से ड्रॉप आउट हुई लड़कियों का जो पोषण है, फोर्टिफाइड पोषण, मतलब विटामिन्स मिनरल्स वाला जो पोषण है वो उनको बच्चों को मिले। बहुत अच्छी महत्वाकांक्षी योजना है और करीब 2,500 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट था। इसकी जांच जाहिर सी बात है सीबीआई ईडी ने तो नहीं की, मगर इसी राज्य के जो ऑडिटर जनरल हैं, जो ऑडिट होती है, जो हर सरकार के अंदर, हर राज्य सरकार के कुछ स्कीमों की रैंडम ऑडिट होती है, उस ऑडिट के अंदर एक इतना बड़ा भ्रष्टाचार पाया गया कि उसका एक्सक्यूज देना मुश्किल है। देखिए ये भ्रष्टाचार किस तरह से होता है कि आपको बच्चों को अनाज बांटना है, गरीब बच्चों को। अब आपको बांटना है, मान लीजिए 1,000 मीट्रिक टन, कागजों में आपको 1,000 मीट्रिक टन दिखाना है, मगर बांटना आपको मान लीजिए सिर्फ 1 मीट्रिक टन है और 999 मीट्रिक टन आपको गबन कर जाना है, बच्चों के हिस्से का पैसा आपको खा जाना है। तो आपको 3 जगह इसकी जो है योजना बनानी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा आपको? पहले तो आपको कागजों में दिखाना पड़ेगा कि भाई 1,000 मीट्रिक टन ये वाला जो अनाज है, फोर्टिफाइड मील है, ये प्रोड्यूस हुआ, मैन्युफैक्चर हुआ। 1,000 मीट्रिक टन जो अनाज है ये ट्रांसपोर्ट हुआ बच्चों की आंगनवाड़ी तक, और आंगनवाड़ियों में 1,000 मीट्रिक टन बट गया। ये आपको तीनों जगह मैनेज करके चलना है, और तीनों में से भी अगर एक जगह आपने मैनेज नहीं किया तो वहां पे चोरी पकड़ी जाएगी। अब यहां क्या हुआ, जहां प्रोडक्शन होता है, जिन फैक्ट्रियों में कहा गया कि यहां पे 1,000 मीट्रिक टन, मैंने उदाहरण दिया है, यहां पे 1,000 मीट्रिक टन बनाया गया, ये पता चला कि उन फैक्ट्रियों की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो इतना अनाज जो है, फोर्टिफाइड मील जो है वो बना सके, इतना फूड जो है वो प्रोसेस कर सके, नंबर एक। दूसरा, कोई भी फैक्ट्री चलेगी दोस्तों तो वो बिजली लेती है। ये ऑडिट का एक सबसे साधारण नियम है कि आप उसकी बिजली की कंजम्पशन से नापते हैं कि वो फैक्ट्री चली या नहीं चली। तो उसकी जो बिजली कंजम्पशन है वो बता रही है कि वो फैक्ट्री चली ही नहीं, उस फैक्ट्री में इतनी कंजम्पशन बिजली की करी नहीं कि वो इतना मीट्रिक टन अनाज जो है, फोर्टिफाइड जो फूड है वो प्रोड्यूस कर सके, वो हुआ ही नहीं। नंबर एक पे चोरी पकड़ी गई। अब नंबर दो है कि वो अनाज और जो फोर्टिफाइड फूड है वो उन फैक्ट्री से आंगनवाड़ियों तक ट्रकों द्वारा ढोया गया। उसकी जब जांच हुई तो पता चला जो ट्रकों के नंबर थे, वो जांच में पता चले वो मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार, पानी के टैंकरों के नंबर हैं। तो इस जांच में भी पकड़े गए शिवराज जी, दूसरे पे भी। अब तीसरी चीज है जहां पे आपने बांटा कि भाई किनको बांटा, लाभार्थी कौन है। अब लाभार्थियों के अंदर भी जो डेटा है वो बड़ा चौंकाने वाला है कि जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो कहता है आउट ऑफ स्कूल एडोलसेंट गर्ल्स, ये जो लड़कियां हैं जो स्कूल से निकली, इन्होंने स्कूल छोड़ दिया, वो 2018-19 में 9,000 हैं। ये स्कूल का डेटा है जिनको पता है कि हमारे स्कूल से कितनी लड़कियां निकली। और जो इस डिपार्टमेंट ने, वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट ने अपनी बिना सर्वे किए जो जानकारी दी और एस्टिमेट लगाया, वो लगाया 36,08,000 बच्चे। अब एजुकेशन डिपार्टमेंट कह रहा है कि लड़कियां 9,000 हैं, और जिस डिपार्टमेंट ने राशन बांट दिया वो डिपार्टमेंट कह रहा है 36 लाख लड़कियां थी। तो ये तीसरा चरण है, जहां प्रोड्यूस हुआ वहां चोरी पकड़ी गई, जहां माल की ढुआई चली वहां चोरी पकड़ी गई।
जहां बांटा वहां चोरी पकड़ी गई। तीनों जगहों पे मध्य प्रदेश के ऑडिटर जनरल ने चोरी पकड़ ली। 2500 करोड़ का ये प्रोजेक्ट था। 8 डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश में 50 डिस्ट्रिक्ट हैं, 8 डिस्ट्रिक्ट के अंदर मुझे बताया गया 24% जगहों पे सैंपल लिया गया। इसका मतलब लगभग 8 डिस्ट्रिक्ट का 24% लगा लो तो 2 डिस्ट्रिक्ट, और 2 डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये 150 करोड़ का बताया जा रहा है मामला। तो अगर 50 डिस्ट्रिक्ट हो गए तो सीधा सीधा 1000 करोड़ का, ये ज्यादा हो गया, 150 5000 करोड़ हो गए। तो ऐसे कैसे हो सकता है, 150 7500, 150 7500, तो करीब करीब 7500 करोड़ का मेरा एस्टीमेट है। असली एस्टीमेट तब होगा जब इसकी जांच हो। हम ये चाहते हैं जो भी प्रोजेक्ट है जिसकी जांच अभी मात्र 8 डिस्ट्रिक्टों के अंदर 24% सैंपल लेके की गई है, इसकी एक इंडिपेंडेंट जांच हो। और ये उनके ऑडिटर जनरल ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा है। अब प्रधानमंत्री जी इतने दिनों से कह रहे हैं, लाल किले पे चढ़ के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ हूं, हम उनकी बात मानते नहीं है। मगर अगर उनकी बात मानी भी जाए तो ये तो भ्रष्टाचार की इतनी बड़ी कहानी इतने दिनों से टेलीविजन चैनल्स पे चल रही है, उनके अपने राज्य के मुख्यमंत्री के खिलाफ है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान जो है उनके अंडर ये सीधा डिपार्टमेंट आता है। इसकी जांच जो है प्रधानमंत्री जी को सीबीआई से करानी चाहिए। डेफिनेटली इसके अंदर मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, इसके अंदर ईडी से जांच करानी चाहिए। और आज आम आदमी पार्टी के सभी विधायक जो हैं दोपहर में सीबीआई दफ्तर जाएंगे और मांग करेंगे कि इसकी सीबीआई से जांच कराई जाए। ये बहुत बड़ा मामला है। पहले भी व्यापम के अंदर शिवराज सिंह चौहान साहब का नाम जो है बहुत आया। इसकी जांच जो है, क्योंकि हमारे बच्चों के निवाले का मामला है, चारा घोटाला तो जानवरों का था, ये तो हमारे अपने बच्चों का है, और भी 6 महीने से 3 साल के बच्चे जो बेचारे अपने हक के लिए बोल भी नहीं सकते, उनके बच्चों का मामला है। हम इस पे जांच की मांग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई और सवाल है आपके पास तो पूछ सकते हैं। सौरभ जी, एक सवाल ये है कि जो एलजी ने अभी एक एक्शन लिया और सीएस को कहा है कि स्टाम्प में चोरी की है, इल्जाम लगाया है दिल्ली के मुख्यमंत्री पर इस चोरी का, उसके बारे में क्या? देखिए, हम तो एलजी साहब की मोहब्बत के कायल हैं कि उनके ऊपर सबूतों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो तो वो डिफेमेशन के नोटिस भेजते हैं। कोई तीसरा चौथा आदमी अननोन, पता नहीं कौन, वो सीएम साहब के खिलाफ अगर एक चिट्ठी लिख दे तो ये चीफ सेक्रेटरी को इंक्वायरी के लिए कह के अखबार के अंदर खबर दे देते हैं कि देखो इसकी इंक्वायरी की मैंने जो है ऑर्डर दे दिया। एलजी साहब को यह बात समझना चाहिए कि वो एक पब्लिक ऑफिस में बैठे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हैं, आपके खिलाफ सबूतों के साथ देश के प्रसिद्ध सांसद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और आप अपनी जांच के विषय में कोई बात नहीं करना चाहते। और एक तरफ ऐसी पार्टी है कि कोई उलझुलूल आदमी एलजी को चिट्ठी लिख दे और आम आदमी पार्टी सीना चौड़ा करके कहती है आप जांच करा लो एलजी साहब, हमें कोई दिक्कत नहीं है, चीफ सेक्रेटरी से जांच करा लो, सीबीआई से जांच करा लो, ईडी से जांच करा लो, जिससे जांच करानी है एलजी साहब जांच करा ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है सीएम साहब की, कलेक्टर के रेट्स पे वो प्रॉपर्टी बिकी है, पूरे देश में कलेक्टर रेट्स पे प्रॉपर्टीज बिकती हैं, जो जांच कराने चाहें एलजी साहब करा लें। मगर हाथ जोड़ के निवेदन है एलजी साहब, आप इस पद की गरिमा को समझे, आपके ऊपर बहुत सीरियस एलिगेशंस लग रहे हैं, आप भी अपने को जांच के लिए प्रस्तुत करें। यह बहुत जरूरी है उस संवैधानिक पोस्ट के लिए कि एलजी साहब के ऊपर 3 आरोप अब तक लगे हैं। एक मामला नोटबंदी के समय
पुराने नोटों को नए नोटों से बदलने का है, दूसरा मामला अपनी बेटी को डिजाइनिंग के कॉन्ट्रैक्ट देने का मामला है, तीसरा मामला कारीगरों को हाई कोर्ट के आदेश के विरुद्ध जाकर कैश में पेमेंट देने का है। पब्लिक डोमेन में सबूत हैं, सांसद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, एलजी साहब अपने आप को जांच के लिए प्रस्तुत नहीं कर रहे, इसका मुझे खेद है। हम हर तरीके की जांच के लिए अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, हम पब्लिक लाइफ में हैं, हम इसका स्वागत करते हैं, आप जांच करिए, मगर आप अपनी जांच कराने के लिए भी थोड़ा हौसला रखिए। पब्लिक सब देख रही है, पब्लिक सबको तोल रही है, ये बहुत जरूरी है। और कोई सवाल? थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी, सबका करना पड़ेगा।